हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और ये है पंजाब के हरे भरे खेत। और यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए उपजती है क्योंकि पानी ये बिल्कुल भरपूर मात्रा में इनके खेतों में देखिए होता है। बिल्कुल पानी से पूरे जो है खेत भर गए हैं। तो इन्होंने कुल्ले बनाई होती है। कुल हमारे हिमाचल का शब्द है, कुल बोलते हैं उसको। तो वैसे करके इन्होंने ना खेतों में पानी की सप्लाई जो है वो दी होती है। और ये है आलू के खेत, इसे को प्याज है, गोभी के बहुत सारे, तो आगे हम नहीं गए वहाँ पे ना, बहुत सारे गोभी के खेत है। और ये देखिए, ये है सरसों। तो हरे भरे खेत देख के ना बहुत अच्छा लगता है, पर आजकल धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है। मतलब अभी जनवरी में और ज़्यादा यहाँ पे धुंध होने वाली है, पर थोड़ा सा अभी कम थी। तो अब मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, और घर में आज मैं यहाँ से तोड़ रही हूँ अपने किचन गार्डन। मेरा छोटा सा ये प्लांट है, इससे फ्रेश फ्रेश अमरूद। और इसी किचन गार्डन में मेरा एक गोभी का जो है फूल सब्जी के लायक हो गया है। तो वो गोभी का फूल निकाल के ना हम छत में फिर चूल्हे में गोभी की सब्जी बनाएंगे। फ्रांस बीन भी तोड़ेंगे छत से, फ्रेश टमाटो तोड़ेंगे। तो फुल जो ऑर्गेनिक गोभी की मिक्स वेज जो है हम छत में बनाने वाले हैं। तो देखिए ये वाला जो फूल देखिए है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा और बड़ा होता पर मैंने इसको पहले ही निकाल दिया। तो मैंने ना दो ही प्लांट यहाँ पे लगाए थे, पर दोनों में बहुत अच्छी गोभी लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में चूल्हे में, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। एक और है ना ऊपर, वो भी काटेंगे। कुछ टमाटर है वो भी निकालेंगे। तो चूल्हे में अब ताज़ी ताज़ी गोभी की सब्जी बनाते हैं। और अब मेरे साथ बने रहिए। तो चलो अब मैं आ गई हूँ छत में, और एक फूल यहाँ पर भी है, एक टमाटर है वो भी निकालूंगी। और पहले इसको इस तरह से इसकी टहनियाँ निकाल देते हैं, ये देखिए। और ये जो पत्ते हैं ना, इसका साग भी बना सकते हैं, और मैंने पत्रोड़े भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत टेस्टी बनते हैं इसके पत्रोड़े भी। तो ये भी मैं यूज़ करूँगी। इसको मैं यहाँ अभी रख देती हूँ। और तो ये देखिए, ये मैंने साफ़ कर लिया है। और वहाँ पे ना मेरा टमाटर है वो भी निकाल लेते हैं। कुछ यहाँ पे फ्रांस बीन लगी है वो भी निकाल लेते हैं, मिक्स वेज फिर हम बनाएंगे। तो चलो मैं पहले वो निकाल के ले आती हूँ। तो जी टमाटर देखिए ये लगा है, तो इसको निकाल लेते हैं। कि छोटा सा एक और लगा था, तो ये भी मैंने ले लिया है। दो टमाटर जो है हमारे लिए बहुत है। और यहीं पे ये है मिर्ची, तो बहुत तीखी वाली मिर्ची है, एक ही डालूंगी मैं सिर्फ, तो ये भी मैंने ले ली। और गमले में भी देखिए मेरी गोभी जो है वो तैयार होने ही वाली है। तो ये देखिए, तो ये इस वाले गमले में मैंने लगाई है। वहाँ से धनिया हम निकालेंगे, पर ये बाद में निकालेंगे, अभी तो बस यही लेंगे। एक गोभी का फूल ये है, तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। इसको तोड़ लेते हैं, ये देखिए। तो इसको भी डालेंगे अभी सब्जी में, इतने में हमारा बहुत हो जाएगा। तो इनको भी रख लेते हैं, देखिए हमारी टोकरी में इधर पे देखिए ये लगी है फ्रांस बीन। तो फ्रांस बीन देखिए कितनी सारी लगी है इधर। तो किसी दिन ना मैं फ्रांस बीन की रेसिपी भी शेयर करूँगी चूल्हे में। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ही चाहिए यहाँ से। तो ये निकाल लेती हूँ मैं पहले, ये देखिए यहाँ पर भी है फ्रांस बीन। और मिर्ची आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, ये नहीं लेनी हमने अभी। ये देखो ये है फ्रांस बीन। तो ये देखिए ये हमने निकाल ली, बस इतनी ही डालनी, मैंने ज़्यादा नहीं डालनी फ्रांस बीन। पर लगी तो देखिए बहुत सारी लगी है, ये देखिए कैसे गुच्छों में लगी है फ्रांस बीन। ये देखो एक फ्रांस बीन और निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जी हमारी ये सब्जी पूरी इतने में हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ एक मूली भी इसमें डालूं, तो एक मूली भी निकाल लेके आते हैं। तो मूली भी मेरे गमले में लगी हुई है, ये देखो अच्छी खासी मूलियाँ लगी है। तो यहाँ से मैं एक मूली निकाल लेती हूँ, टूट गई, नहीं निकल गई सारी।
तो इसको मैं पहले धो लूँ। अब यहाँ पे धो लेते हैं इसको पहले। तो मूली को भी ले आई मैंने ना, इस सब्जी में आलू नहीं डालना है, तो इसी की मिक्स जो है हमने बनानी है। तो चलो अब इनको कट कर लेते हैं। और सब्जी कट करती बार किस किस को जो है कच्ची सब्जी खाने का मन होता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, खासकर गोभी मटर गाजर कच्ची सब्जी खाने में। और ये हमारे घर की मतलब स्वाद ही इसका अलग होता है ना, बिल्कुल फ्रेश अभी तोड़ी और खाने का। कट कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही खा जाऊँगी मैं सारी कच्ची सब्जी। अभी तो गाजर भी मैं खाती हूँ। पकाएंगे अब। तो ये देखिए, ये मैंने ना गोभी के डंठल भी काट दिए हैं। कौन कौन गोभी का डंठल भी सब्जी में डाल देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट थे ये ना बहुत जल्दी पक रही है, आंच में थोड़ा आग की ज्यादा हो गई थी तो ना मैं थोड़ा सा धो लूँगी। पर घर के टमाटर की ना खासियत देखिए, एकदम से घुल गए। तो सब्जी देखिए मेरी अब बन रही है और मेरी माता को बनाना है भुज्जू, तो थोड़ी सी मेथी भी काट देती हूँ मैं आपके लिए। हेलो राम राम तो कर दो सबको। जी राम राम, साग बन रहा है। तो ये देखिए जी कितनी अच्छी मेथी देखिए हो रही है। तो मेथी मिक्स करके मम्मी मेरे जैसे कि गोभी के पत्ते हो गया, मूली मैंने निकाले ना उसके पत्ते, कैंची से निकालूं ठीक है। तो जी आलू गोभी की सब्जी तो मेरी देखिए बन के अब तैयार है, और रोटी के साथ ये देखिए बहुत ही टेस्टी ही आलू गोभी की सब्जी बनी है। और अब रोटी बनाऊंगी मैं, और आज की वीडियो का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए।